भाई यहाँ से लफरी का नज़ारा इतना सुंदर जगह की मत पूछो आप, मतलब जन्नत का सैर करोगे भाई। और चलिए भाई लोग, अभी हम आप सभी को एक भैया से भैया मतलब जगह तो मेरे को लगता है कि कोरिया सरगुजा संभाग में हमारे 14 विधानसभा है। हाँ। इसमें मेरे को लगता है कि हमारा मेन पार्ट पर्यटक स्थल में लफरी हो गया, बांक हो गया, अमृत धारा, ये मतलब कुछ ऐसा टूरिज्म क्षेत्र है, ये काफी पॉपुलर है। कहाँ से आए हो? सूरजपुर से। और आपका नाम? विवाह। अभी भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी एक बार खाना बना के खाएं और ये प्राकृतिक नेचुरल के उसमें रहें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेज पानी आ रहा है भाई, बहुत तेज, इतना तेज कि मत पूछो भाई। जगह देखिए बहुत सुंदर है, यहाँ पानी बताया जाता है उतना ऊपर तक आता है, बरसात में आ रही, और यहाँ का जगह बहुत ही सुंदर और एकदम घूमने लायक पर्यटन जगह है, फैमिली लाइक एकदम जबरदस्त जगह है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है मोहर और हमारे YouTube चैनल मोहर राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज दिन है मंगलवार और हम आ गए हैं लफरी में, जो कि सूरजपुर ज़िले का बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो चलिए दोस्तों आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, अभी आप सभी को इधर का सैर कराते हैं, हमारे पीछे साइड है उस जगह का, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए। और हमारे साथ है हमारे दोस्त आज शुभम, तो कैसा लगा यार आके? तो यहाँ मज़ा आ गया, लेकिन आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हमको देखने को मिली, लेकिन यहाँ जब आए भाई साहब एकदम मज़ा आ गया। हम लोग चलने के लिए हम लोग को बहुत मतलब 12 एक बजे से चले थे भाई, हम लोग घर से निकले थे पर यहाँ 4 बजे हम लोग पहुँच रहे हैं। स्ट्रगल बहुत लगा गाइस, लेकिन जब यहाँ पहुँचे यहाँ का सीन देखे पूरा स्ट्रगल एकदम से गायब हो गया। सामने देखिए भाई, इधर गाड़ी आपको देखने को मिलेगा, हम लोग वहाँ पर अपना गाड़ी रख दिए हैं और यहाँ से हम लोग नीचे की ओर चल रहे हैं अभी लफरी वाटरफॉल में। और सामने जो रास्ता दिख रहा है अभी उधर से ही हम लोग जाएंगे भाई। और देखिए भाई इधर चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। और चलिए, बहुत मुसीबत का सामना करते हुए आए हैं भाई हम लोग आज लफरी में। और देखिए भाई यहाँ का नज़ारा लफरी का ज़बरदस्त दिख रहा है। और हम लोग 2 जनवरी को आए हैं यहाँ, और यहाँ पर देखिए आपको दुकान वकान कुछ कुछ मिलेगा यहाँ पास, पूरा गाड़ी उड़ी में भैया लोग रखे हैं। और इधर लकड़ी उकड़ी है भाई यहाँ पास मिलता है इस साइड। और इधर देखिए मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बहुत कम लोग आए हैं आज लफरी में यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और इधर देखिए समोसा मोसा सब कुछ मिलेगा भाई इस साइड। और सामने देखिए वहाँ पर बस उस गाड़ी उड़ी बहुत सारा आया है और उस साइड भी आया है। और आज है हमारे शुभम भाई हमारे साथ। हाय। और कैसा लगा? एकदम मस्त, लेकिन आते आते हवा टाइट हो गया, क्योंकि ऐसा ऐसा स्कैम हुआ है अभी अभी आते आते, क्या ही बताएं आपको। और चलिए अब आ गए हैं तो आपको सारा कुछ एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, आगे चल के एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और देखिए भाई ट्रैक्टर में आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, और ट्रैक्टर दिख रहा है ना उसमें बैठ के आए हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और इस साइड दिखाते हैं, और हम लोग लास्ट टाइम आए हैं भाई यहाँ। और इधर देखिए भाई भैया लोग रखे हैं, और इधर जा रहे हैं भैया लोग घर पिकनिक मना के। और यहाँ पास फुल्की है भाई, और भाई 10 का कितना फुल्की देता था यार? 10 का 6 है। अब पानी बोतल भैया 20 रुपया हुए भी हुई रख ले थे यार, कैसे दे रहा था? अरे खाए तो ऐसा ही। अरे जबरदस्त यार, एक नंबर लगीस भाई। उस साइड भी आपको देखने को मिलेगा उस साइड, तो उधर अभी आते टाइम जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अभी ताज़ा ताज़ा मतलब आग जला हुआ है, यहाँ पर अभी पिकनिक मनाया गया था। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग आने में, क्योंकि हम लोग का जो गाड़ी था वो पंचर हो गया था, मतलब हवा निकल हाँ। गया था उसका। और चलिए अभी हाँ। आगे की ओर चलते हैं, आगे साइड दिखाते हैं। मैं बड़े पापा को बता दिया हूँ कि वो आकाश और देखिए भाई लफरी का नज़ारा। अभी चलिए इस साइड चलते हैं और दिखाते हैं, और इधर भैया भाभी लोग आ रहे हैं भाई इस साइड। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, पहले इस साइड आप सभी को दिखा लेते हैं, उसके बाद दूसरे साइड चलेंगे भाई। हेलो,
और देखिए भाई हम लोग अभी लफरी में पहुंच गए हैं। और देखिए यहाँ का नज़ारा का ही बोले यार, का ही जबरदस्त दिख रहा है, एकदम जबरदस्त। और इधर भैया लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं भाई, और इस साइड भैया लोग और लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, और एकदम दूरी तक ही लोग भी हैं उस साइड भी। और इधर देखिए भाई बहुत लोग फ़ोटो वोटो सब क्लिक करा रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। और अभी हम लोग को शाम के वक्त हम लोग आए हैं यहाँ, मतलब हम लोग को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था गाड़ी में। और नज़ारा देखो भाई, मतलब नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ लकड़ी का। और भैया लोग वापस गए हैं भाई, भाई लफरी का नज़ारा ज़बरदस्त दिख रहा है। और चलिए अभी हम लोग उस साइड चलते हैं और उस साइड दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। और इधर से नज़ारा देखिए भाई ज़बरदस्त, तो चलिए अभी चलते हैं और इधर से नीचे चलते हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा। और चलिए भाई इस साइड दिखाते हैं आप सभी को, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए। और इधर से हम लोग नीचे आ रहे हैं भाई, और इस साइड देखिए भैया लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त। और चलिए ऊपर साइड चलते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। और इधर भाई लोग, और नज़ारा कुछ अलग ही है भाई इस साइड। और भाई लोग यहाँ पर पिकनिक पिकनिक मना लिए हैं, शायद मना ही रहे हैं। और चलिए इस साइड दिखाते हैं आप सभी को, तो आप सभी वीडियो पर बने रहिए। और देखिए भाई यहाँ से लफरी का नज़ारा यहाँ से देखने पर मिलता है भाई, ज़बरदस्त। इधर से देखिए पूरा नज़ारा कुछ अलग ही है, मतलब मत पूछो भाई, ज़बरदस्त नज़ारा है इस साइड से, हाँ देखने पर बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। और इधर देखिए, इधर भी और बहुत लंबा है भाई उस साइड, देखिए पहाड़ है, पहाड़ आपको देखे उनको मिलेगा उस साइड, पूरा एकदम पहाड़ है उस साइड। और इधर देखिए भाई लोग यहाँ पास बैठ कर पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पास। और इधर चलिए भाई इधर दिखाते हैं अभी, और यहाँ पास एक छोटा बच्चा बैठा है, और यहाँ पास देखिए लेट लेट के सब लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, बहुत कुछ भाई। और पानी का रफ्तार बहुत ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और इधर देखिए उधर बहुत लोग आए हैं लफरी में भाई पिकनिक मनाने के लिए, और भैया लोग यहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं। और चलिए भाई अभी नीचे की ओर चलते हैं, और नीचे साइड अभी आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और अभी नीचे चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आप सभी, और यहाँ से हम लोग उतरे हैं अभी नीचे, और नीचे के बाद अभी आप सभी को यहाँ दिखाएंगे इस साइड, जो कि लफरी का मेन पॉइंट है। यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ लगता है भाई नए साल में, और हम लोग नए साल के बाद आए हैं, मतलब दूसरा दिन आए हैं 2/1/2024 को, तो यहाँ भीड़ नहीं है उतना ज़्यादा। और इधर है इस साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, अभी आप सभी को दिखाएंगे, तो आप सभी बने रहिए। चलिए भाई आगे की ओर चलते हैं और आगे साइड दिखाते हैं अभी। और इधर का ही बोले यार, ज़बरदस्त भीड़ है। और इधर नीचे चलते हैं, इस साइड से नज़ारा कुछ अलग ही है भाई, मतलब नीचे से हम लोग को देखना पड़ता है कहाँ कैसा है। और ये देखिए ये है लफरी, ज़बरदस्त। और इधर भाई लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं यहाँ पर, ज़बरदस्त। और इधर देखिए भाई, इधर पूरा एकदम बहुत तेज पानी चल रहा है, एकदम ताबड़तोड़ वाला। और इधर तो हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाई है, इस साइड जाने पर हो सकता है कुछ हादसा भी हो सकता है, तो आप नहीं जाएँ उस साइड तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और इधर से देखिए भाई, मतलब इतना सुंदर जगह ना, मतलब इतना सुंदर जगह कि मत पूछो आप, मतलब जन्नत का सैर करोगे भाई लफरी में आके आप, जन्नत का सैर। और देखिए बहुत ही रोमांच वाला जगह है यहाँ, बहुत लोग फ़ोटो वोटो पूरा क्लिक करा रहे हैं, इतना अच्छा जगह है ना, मत पूछो, हम लोग का दिल छू गया भाई ऐसा जगह आने के बाद, कि मेरे को मालूम नहीं था कि हमारे सूरजपुर ज़िले में इतना अच्छा जगह है। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए, अभी आप सभी को दिखाते हैं।
भाई अभी नीचे की ओर चलते हैं और नीचे साइड अभी आप सभी को दिखाते हैं। इस साइड से नज़ारा कुछ अलग ही है और यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं भाई नीचे, और आप सभी को अभी लफरी का दर्शन कराते हैं, मतलब सैर कराते हैं और बहुत कुछ। आप सभी वीडियो पे बने रहिए और देखिए इधर से नज़ारा, और एकदम बहुत शोर शराबा कर रहा है भाई आवाज़। अभी देखिए इधर से नज़ारा और इधर देखिए, और देखिए भाई फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं भाई लोग। और इधर देखिए बहुत तेज़ पानी आ रहा है भाई, बहुत तेज, इतना तेज़ कि मत पूछो भाई, बहुत तेज़ है, देखिए ज़बरदस्त पानी आ रहा है भाई। और भैया लोग यहाँ पर फ़ोटो वोटो एकदम ज़बरदस्त क्लिक करा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए इधर का नज़ारा, इस साइड से देखिए यहाँ का नज़ारा, और पहाड़ भाई वहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिलेगा पूरा एकदम, इधर पत्थर ही पत्थर। और हम लोग इस साइड से आए हैं भाई, इस साइड से, और देखिए यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए भाई इधर बहुत ज़्यादा खतरा है, इस साइड आप जाइएगा तो बहुत खतरा है इस साइड। और देखिए उस साइड भी बहन लोग भाई लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं उस साइड, और अभी शाम के वक्त भी है इसके वजह से थोड़ा सा मतलब वीडियो भी अच्छा नहीं आ रहा होगा, उसके लिए हम सभी आप सभी को माफ़ी मांगते हैं। और इधर देखिए इधर, और इधर देखिए भाई इस साइड कहीं बोले यार ज़बरदस्त, बहुत दूर है भाई उस साइड, पहाड़ वहाड़ है और इधर बालू का ढेर है, ज़बरदस्त दिख रहा है इस साइड। और भैया लोग देखिए वहाँ पर एक भैया वहाँ पर चल रहे हैं, ही बोले यार ज़बरदस्त जगह। और चलिए भाई अभी इस साइड चलते हैं और इस साइड अभी नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए। और इधर मत पूछो यार, बहुत जन्नत वाला जगह है यहाँ, जन्नत जैसा फील होता है यहाँ आने के बाद, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर लफरी वाटरफॉल, एकदम गजब का जगह है भाई, गजब का एकदम, मतलब दिल खुश हो जाता है इसी जगह में हम लोग आए हैं अभी। और चलिए अभी इस साइड चलते हैं मेरे पीछे साइड और उस साइड अभी आप सभी को दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए। और इधर देखिए भाई इस साइड बहुत लोग आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, बहुत ज़्यादा भाई, गाड़ी से लेकर बस से लेकर बहुत कुछ से लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और उधर भाई लोग वहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, और इधर बहन लोग भी फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं भाई। और इधर से मतलब पास में जाके आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे जगह है यहाँ पर। और इधर देखिए थोड़ा सा खतरा वाला जगह है पर बहुत ही अच्छा जगह है भाई इस साइड। तो नाम क्या है यार? मेरा नाम प्रियांशु देवांगन है, हम लोग दरीपारा से बिलोंग करती, ठीक ना, यहाँ घूमे आए रही और यहाँ का जगह बहुत ही सुंदर और एकदम घूमे लायक पर्यटन जगह है, फैमिली लाइक एकदम जबरदस्त जगह है। कितना लोग आए भैया लोग? हम लोग 7 किलो 7 देने आए हैं। ये दे भाई, ये है मेरा भांजा श्री। मेरा नाम है आयुष, हाँ देख सकते हैं। मेरा नाम है बीरेन। मेरा नाम है सिरेन। अरे हमारा दिग्री यार, मेरा नाम भूपेंद्र है भाई लोग। अरे लफरी बता दे यार, लफरी बहुत अच्छा जगह है, देख रहे हो ना। देखिए भाई अभी भाई लोग हम लोग से मिले और बताए यहाँ के जगह के बारे में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई लफरी। और इस साइड देखिए भैया लोग भाभी लोग बहन लोग सब यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं भाई, और अभी आप सभी को दिखाते हैं इस साइड चलेंगे कुछ देर में, उस साइड से भी आप सभी को दिखाएंगे, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। और उस साइड ऊपर में बहुत ज़बरदस्त बैठे हैं भाई उस साइड, और इधर का नज़ारा कुछ अलग ही है, मतलब एकदम रोमांच वाला जगह है भाई। और हमारा शुभम भाई तो उस साइड है, मतलब वहाँ बातचीत कर रहा है अपने दोस्त यार लोग से। और चलिए इस साइड चलते हैं और इस साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं, और ज़बरदस्त भीड़ भाई मत पूछो। और यहाँ पर भाई लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं भाई, तो चलिए इनसे भी पूछेंगे अभी यहाँ के बारे में। अरे भैया मन रुक या दामी कान यार, जगह देखिए बहुत सुंदर है, यहाँ पानी बताया जाता है उतना ऊपर तक आता है बरसात के दिनों में, और अभी तो देखिए जितना उपलब्ध है उतना ही देख सकते हैं। आगे आप राहुल से सुनिए। जगह तो बता दो यार, कितना खूबसूरत जगह तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत पैसा वसूल जगह है।
एकदम सुंदर, एकदम नज़ारा वजारा व्यू एकदम बेहतरीन है। और बाकी बरसात के टाइम में पूरा भर जाता है पानी वानी। अभी के जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छा है, बरसात के टाइम में आना कोई मतलब नहीं है, पूरा पानी भर जाता है और घूमना वूमना सब फालतू हो जाएगा आप लोग का। चलो ठीक है। और चलिए भाई लोग, अभी हम आप सभी को एक भैया से मिलाते हैं जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो चलिए इनसे मिलते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। आप कौन से चैनल से हैं? आई एम ये यूट्यूब लिखा हुआ है। धन्यवाद। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम अमन कुमार देवांगन है, मैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट बैकुंठपुर से आया हुआ हूँ। और ये लफरी वाटरफॉल आया हुआ हूँ। और किनके साथ आए हैं भैया? मैं अपने परिवार को लेके आया हूँ, चूंकि मैं अपने दोस्त के साथ तो काफी दिन से आया हुआ, मेरे को तो लगता है मैं 8-10 बार आया हुआ हूँ, लेकिन ये मेरी विद फैमिली है, है ना, इनके साथ मैं ये दूसरी बार आया हूँ मैं अपने परिवार को लेके, क्योंकि ये यहाँ पे नेचर देखिए, आप कैमरा दो घुमा के देख सकते हैं, प्रकृति सौंदर्य में ऐसा लगता है कि हम लोग अपने काम काज टेंशन को छोड़ के अपने परिवार प्रकृति को गोद में आए हुए हैं। और जगह कैसा है भैया? मतलब जगह तो मेरे को लगता है कि कोरिया सरगुजा संभाग में हमारे 14 विधानसभा है। हाँ। इसमें मेरे को लगता है कि हमारा मेन पार्ट पर्यटक स्थल में लफरी हो गया, बांक हो गया, अमृत धारा, ये मतलब कुछ ऐसा टूरिज्म क्षेत्र है, ये काफी पॉपुलर है। तो यहाँ मतलब कितने लोग आए हैं भैया आप लोग? हम लोग तो 10-12-13 लोग आए होंगे। और क्या चीज से आए भैया? हम लोग तो 4-व्हीलर से आए हुए हैं भैया। जी तो पिकनिक उकनिक सब अच्छे से मना गए? बस हम लोग तो खाना वाना, हम लोग तो काफी देर से आए, ठंडी का समय है। हाँ। है ना, विंटर का समय है, लेकिन हम लोग अभी भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी एक बार खाना बना के खाएं और ये प्राकृति नेचुरल के उसमें रहे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है जी। ये हमारी बहन ये भी बताइए, कोरबा से आई हुई है केवल लफरी स्पॉट को देखते हुए, ये बताएगी नहीं ये मेरा भांजा है, ये बताइए आयु बताएगा नाम क्या है भाई? यश कुमार है, डीएवी स्कूल में पढ़ता है। आपका क्या नाम है? आयु। आयु है। ये आप कैमरा घुमा के देखिए उधर उधर बाकी दिखाए, बहुत सारे पिकनिक मतलब आए हुए थे। आप यहाँ पे अगर आप ब्लॉग बना रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि वाकई में प्राकृतिक जो मतलब ऐसा नेचुरल भगवान ने जो बनाया है, वाकई में ऐसा चीज़ बनाया हुआ है कि हमको अपने काम काज है ना, व्यवसाय गृहस्थी सब चीज़ में हमको सुकून मिलता है। मैं तो सोचूंगा कि फिर मैं संडे को आना चाहूँगा, 7 तारीख को संडे पड़ रहा है, इस बार आऊँ परिवार के साथ और दोस्तों के साथ आना चाहूँगा, है ना। आपका धन्यवाद भैया। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। साइड चलते हैं और इस साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए। और इधर से नज़ारा कुछ अलग ही है भाई लफरी का, और शाम के वक्त हो गया है तो उससे चलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी नहीं है और सब लोग चले गए हैं। और भैया लोग यहाँ पर देखिए पिकनिक मनाने के लिए आए हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट से। और इधर देखिए, और भैया कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। और कहाँ से हैं? अंबिकापुर से। अंबिकापुर से लफरी आ गए हैं? लफरी आ गए हैं। चलिए ठीक है भैया एकदम। और चलिए भाई इस साइड आप सभी को दिखाते हैं, और इधर भी नज़ारा कुछ अलग ही है, और इधर देखिए भाई का गजब का नज़ारा है। और चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे साइड भी अभी दिखाते हैं आप सभी को। और देखिए भाई इधर पूरा फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, और भैया लोग यहाँ पर मिले थे, बहुत मज़ा आया भाई उन लोग से मिलके हम लोग को। और चलिए अभी आगे की ओर चलते हैं और आगे साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं, और इधर फोटो वोटो भी क्लिक करा रहे हैं भाई। और चलिए आगे साइड चलते हैं और इधर से देखिए भाई यहाँ से, और इधर देखिए इधर से नज़ारा कैसा है। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ऊपर में है, और इधर से दिखाते हैं आप सभी को। और यहाँ ऊपर से देखो भाई नज़ारा, आप लोग देखिए यहाँ लोग आते हैं, ऊपर से नज़ारा कुछ अलग ही है भाई, ज़बरदस्त दिख रहा है इस साइड से लफरी का नज़ारा। और इधर देखिए भाई यहाँ पास और लोग यहाँ पास हैं, सामने सनराइज हो गया भाई उस साइड, और देखिए उस साइड भी पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ भी पिकनिक मना रहे हैं, और यहाँ का लफरी का मेन पॉइंट उस साइड है वहाँ पास। और देखिए भाई का गजब का नज़ारा है, यहाँ इस साइड आपको देखने को मिलेगा पूरा एकदम, मतलब इस साइड से पानी वानी एकदम चल रहा है, और इस साइड भी मेरे पीछे साइड भी लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं।
और चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लफरी में आए हुए मतलब सिस्टर लोग मिले, तो इन लोग से बात करते हैं और पूछते हैं। और कहाँ से आए हो? सूरजपुर से। और आपका नाम? विभा धीवर। और सूरजपुर से खास हो? हाँ। कैसा लगा जगह? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ। और आप? सूरजपुर से आए हैं। आपका नाम? सिमरन कुजूर। सिमरन कुजूर। तो यहाँ कितने लोग आए हैं आप लोग? बहुत सारे हैं। बहुत सारे, पूरा फैमिली आए हैं। और कैसा जगह है मतलब लफरी? बहुत अच्छा जगह है। अभी यहाँ छोटा भाई आ गया है, तुम्हारा नाम बता दे यार। जयेंद्र कुमार धीवर। और आपका? इनायत कच्छप। ए बताओ, जगह कैसा है? बहुत अच्छा है। तो मम्मी पापा के साथ आए हो कि? बुआ के साथ आए। बुआ के साथ आए हो। कैसा जगह लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो कुछ बोलना चाहते हैं? और आप बोलना चाहते हैं जगह के बारे में? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर देखिए भाई, नज़ारा कुछ अलग ही है। और चलिए अभी आगे की ओर चलते हैं और आगे साइड भी अभी आप सभी को दिखाते हैं। और शुभम भाई तो वहाँ फ़ोटो वोटो एकदम ज़बरदस्त क्लिक करा रहे हैं एकदम। और यहाँ से अभी निकलेंगे भाई, अभी इस साइड भी हम लोग को जाना है मतलब घर की ओर। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, हम लोग लफरी से निकल रहे हैं घर की ओर, और अगला वीडियो आप किस जगह का देखना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।